नमस्कार साथियों, साथियों मैं रजनीश यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। शहर से लेकर गांव तक और गांव से लेकर शहर तक दिखाने का प्रयास करेंगे भ्रष्टाचार और अश्लीलता के बारे में। पहले आप ये वीडियो देखें। ये है गोल्डी शास्त्री, देखिए इस लड़के की हरकत, ये मंच से नीचे क्या कर रहा है। कथा भागवत के नाम पर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है समाज में, इसका कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर कथा भागवत में पैसे ऐंठने के चक्कर में हो रही है। आगे और भी दिखाएंगे। ढोलक मां जड़े सितारा बलम कौ चल्ला मिलावती ढोलक। ये है हेमराज शास्त्री। अगर आपने YouTube देखा होगा तो इन्हें आप जरूर जानते होंगे। देखिए ये गाना कौन सा गाते हैं। इनकी अभी एक रील वायरल चल रही है, तो ये कैसे कैसे गलत इशारे करते हैं बताना ये चाहता हूँ। ऐसे ही कथावाचक हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आगे और भी दिखाएंगे। इन्हें आप जरूर जानते होंगे जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है, राधा शास्त्री। इनकी तो आपने वीडियो भी देखी, ये गाना गाती हैं, अम्मा चाहे दूर सासुरो हो तो पर करिया वलम नहीं हो तो। पीछे बैठे आर्यन शास्त्री को ये इशारा कर रही हैं। ये भी वही शास्त्री हैं जिन्होंने इन्हें कथा सिखाई। साथियों भ्रष्टाचार व सनातन धर्म का अपमान करने वालों के प्रति सावधान हो जाओ। एक और इनका गाना वायरल चल रहा है, कितना गंदा गाना गाया इन्होंने। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे कथावाचक हो गए हैं जिन्होंने फूड़पन और अश्लीलता की हद ही पार कर दी। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उन्होंने बाजा ही उठा के फेंक दिया। एक शास्त्री थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, वो मंच पे ही लड़ने लगे, आपस में भिड़ गए। तो इसका कौन जिम्मेदार है, आप और हम? कारण क्या है? अच्छे कथावाचकों को भी सुनना पड़ता है जब ऐसे लोग समाज में अभद्रता की वीडियो बनाते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि ऐसे कथावाचकों से कथा न करवाएं तो अतिकृपा होगी। आप पैसा खर्च करते हो और ये फूड़पन और अश्लीलता की वीडियो समाज को गलत दिशा का निर्देश देती हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। इसी के साथ मैं रजनीश यादव, ग्रामीण न्यूज़, जन जन की आवाज़, इटावा, उत्तर प्रदेश।